गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग मुकेश ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज गौतम नगर में इलेक्शन है, पहले चरण में इलेक्शन है। तो पापा मम्मी शालू और अंकिता जो हैं वो चले गए हैं वोट देने के लिए, और अब बचे मैं और धर्म, क्योंकि थोड़ा वक्त था, बहुत कुछ पर्सनल काम था, तो मैं धर्म जो है थोड़ा लेट उठे थे। तो अभी जो है मैं धर्म जा रहे हैं वोट देने के लिए। ये धर्म, और सबसे अच्छी बात तो ये कि क्या नाम है, मैं वोट देने जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। मेरा मिसप्लेस हो गया, मतलब मेरे वोटर आईडी कार्ड मिसप्लेस हो गया, पता नहीं कहाँ है। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था और कोई पर्सनल काम नहीं था, यही था, हम 2-3 घंटे से ढूंढ रहे थे बट मिला नहीं। बट मेरे पास मैसेज आ रखा है कि ये आपका मतलब कहाँ पर मतलब वो है, मतलब पहले नंबर जो होता है, रूम नंबर जो है पर भाई साहब का जो वोटर आईडी कार्ड ही गायब हो चुका है। अब जाके देखते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं बूथ में एक दो मतलब जो भी होते हैं क्या कहते हैं उसका नाम, कार्यकर्ता वगैरह, तो उनसे बोलेंगे जी भाई हमारा नंबर ये है और क्या नाम है, हमें वोट देना, क्योंकि वोट देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल। पर किसको दिया है ये बताना जरूरी नहीं है, ठीक है? ये जब तो, जो जीत जाएगा उसके नाम हमने वोट दिया है ये तो उसके ऊपर है भाई, जो जैसा काम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका पर्सनल मैटर है ये चीज है कि मतलब कैसे। हाँ, बट वोट देना जरूरी है, इट्स मतलब हम मतलब है, वोट दो और हमेशा देते रहो, बढ़िया से एकदम। मिलते हैं फिर, तब तक वीडियो साहब बने रहे, हम थोड़ा पेट्रोल भरवाते भाई गाड़ी में। बिल्कुल भाई, है ना, पेट्रोल जरूरी, गाड़ी में गाड़ी भरना, उसको भी एनर्जी चाहिए, क्यों? तो थोड़ा वीडियो साहब बने रहे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं और सब जा रहे हैं वोट देने के लिए। क्यों धर्म, जाएं चले फिर? चलो जी, चलो बिल्कुल चलते हैं वोट देने के लिए। बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पे आज, दवा के लोग जा रहे हैं वोट देने के लिए। न्यूज़ वगैरह आ रखे हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। NDTV यह है हमारा बूथ सेंटर। आज मेरे साथ जो भी हुआ ना बहुत ही गलत हुआ, मैं दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो रखा, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। इतने दूर से मैं आया वोट देने के लिए, यार देखो वोट लग गया इन सर को। इस बंदे पे ना वोटर आईडी कार्ड ना कुछ, मेरे पे सब कुछ है, ये दिखाऊंगा अभी आपको ये देखो सब कुछ है, उसके बावजूद भी वोट नहीं दिया। कह रहे आपका कैंसिल ही हो गया, बताओ तुम घर पे रहते ही नहीं हो, हद की चीज की यार, बनी क्या हो गया? मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था और मैं दे के आया, मेरा बन गया पोपट ये हाइलाइटेड बंदे इसे बोलते हैं, ज्यादा हाइलाइट भी होना चाहिए, कसम से कह रहा हूँ। इतने दूर से आया वोट देने के लिए और एंड में वहाँ पे जो मेरा आधार कार्ड नंबर होता है, सॉरी ये वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है, उन अपडेट उसमें डाला और कहा था, साफ बोल दिया कि आपका वोट कैंसिल हो गया। पता नहीं क्या हो गया यार, हद कर दी, तो तरीका होता है। 500 रुपये का मैंने पेट्रोल फूका, यहाँ वोट देने आया कि चलो वोट दूंगा, उसके बावजूद मेरे साथ ऐसा होगा। मैं और धर्म जा रहे हैं मामा जी के घर, छोटे मामा जी घर, उनका जो फ्लैट है वहाँ पर रिनोवेशन हुआ है, तो वहाँ हम जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या क्या काम हुआ है। उन्होंने कुछ इंटीरियर अपना चेंज किया है घर का, तो वहाँ जा रहे हैं मैं और धर्म। तेरा वीडियो शायद बने थे, जहाँ मामा जी रहते हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं इंद्रपुरम में। आज ज्यादातर सारी दुकानें बंद है क्योंकि आज वोटिंग है, तो सारी दुकानें बंद कर रखी है। मतदान पहले मतदान फिर खान पान क्यों धर्म, हमारा तो पोपट बन गया क्या? मतदान इतनी दूर से यहाँ आए मतदान के लिए, पर आखिर में ये बोल दिया कि आपका वोट कैंसिल हो गया है, क्या करें। पहुंच गए हैं मामा जी के घर, मामा जी का अपार्टमेंट है, हम पहुंच गए। अपार्टमेंट अभी कहाँ है, तो पार्किंग कहाँ करें, पार्किंग पार्किंग बड़ी समस्या है यार गाजीपुर के अंदर, यहाँ भी लग जाती है वैसे। यहाँ सर हमारे टीचर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, मामा के छोटे बच्चे हैं, तो लगा रखे लाइन भैया ने एकदम बिल्कुल बढ़िया से, तो अब देखते हैं क्या लेना है। हुक्का भी है, हुक्का चाहिए। बच्चों ने चिप्स ले लिए,
जो मामा के बच्चे उनसे ले लिया है और चलते हैं घर पे उनके, सब से बने रहेंगे। अरे भाई बिरयानी खाए यार, चलो चले चलो दोस्तों फिर बिरयानी खाते हैं, सब कुछ साहब बने रहे हैं। अब हम खा रहे हैं बिरयानी, क्यों भूख लगी थी, बिरयानी खा रहे हैं। धर्म और मैं बिरयानी खाएंगे बढ़िया करके। तो भाई की यहाँ जायका, हाँ जायका में, जायका रेस्टोरेंट वहाँ है इंदापुर में। तो मैं धर्म जो है बिरयानी खाएंगे बड़ी तरह से, क्योंकि मेरी फेवरेट है बिरयानी, बहुत मज़ेदार बिरयानी भाई खा रहे हैं। और गरीबी भी आ गई इसकी चिकन और बड़े मज़ेदार है, तो बने रहे। हम पहुँचे बामन जी के घर, आपका अपार्टमेंट है वहाँ पहुँच गए, तो चलते हैं। तो जी इंटरव्यू हो रही है, सिक्योरिटी इंटरव्यू होती है वो हो रही है। ये हमारे ताऊ जी सिक्योरिटी इंचार्ज, और धर्म जो एंट्री कर रहा है। फ्रेंड्स एंट्री हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं, मामा जो फ्लैट है उसमें जा रहे हैं। अब थोड़ा जो खाया है बिरयानी उसको हजम करते हैं, तो जीने में चढ़ना पड़ेगा, इसी तरह डाइजेस्ट भी हो जाए बिरयानी। क्यों ना रखते ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर जाके फिर खाना है हमने भी, मामा जी घर जाके फिर खाना है। एक्चुअली उनको मैंने बोल दिया था कि हम लोग खाना खाना आएंगे, तो मन में वहाँ पे बिरयानी खुशबू आ गई, तो हमने फिर बिरयानी मार ली। मम्मी पापा पहुँचे भाई, टिकट देके आ गए अभी हम लोग। ये हमारे मामू जी हैं, छोटे मामा, मामू जी के रूम पे, और मामू जी को डांस करवा दिया है। किचन भी बहुत चला दिया मामा जी ने, बड़े करके बना दिया। और पापा मम्मी पहले यहाँ पहुँचे रहे थे, यहाँ पहुँचे थे, हम लोग अब पहुँच रहे हैं वहाँ पे। हेमा भी आ रखी है गाँव से, तो हेमा वहाँ पे उठा मेरे मामू जी है। दो चुन्ने मुन्ने पैर कौन छुएगा, प्रणाम करो, बड़े बेसम बच्चा है भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जीते रहो, बड़े रहो, मस्त रहो, खूब रहो, और सबको हाय करो, हाय दोस्तों, ये मेरे मामा बच्चे हैं अंशु और मयंक, राइट, दोबारा से हाय। थैंक यू दादा, आप मेरे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आए, थैंक यू। मैं भी आपके आपके बच्चे के लिए क्या मांगूं, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है, रुद्रांश। रुद्रांश नाम उसका, अच्छा उसके लिए क्या लेकर आओगे आप, ये सब, क्या सब, ये क्या है, ये लेकर आएंगे, क्या नाम है उसका, नाम क्या है, चुप हो गया। बहुत प्यारे बच्चे हमारे दोनों, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे हैं, और मतलब खेलते कूदते बहुत ज़्यादा है। तुम पहाड़ी गाने भी गाते हो ना, गाने पर पहाड़ी गाने गाना, मेरे जो सब्सक्राइबर वो आपको सुनना चाहते हैं। लो चूर है गई क्या बात है, बहुत है वाह, क्या और भी आते हैं, यही आता है, लाभ सलाह आता लड़के को हमारे। दोनों जो है मेरे जो चैनल है यूट्यूब का देख रहे हैं, दोनों वीडियो देख रहे हैं, आज की जो अपडेट की वीडियो दोनों देख रहे हैं, कैसे की वीडियो, बड़े वीडियो है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, थैंक यू। हम लोग निकलते हैं घर की तरफ और थोड़ा शॉपिंग भी कर लेते हैं इसके बाद। ये हमारी माता जी, हमारी मम्मी जी, माता जी बोलते हैं, मम्मी गुस्से आती है, कहती है मुझे माता जी मत बोले, मम्मी जी बोला करो, तो मैं मम्मी जी बोल देता हूँ। और ये हमारा हीरो अंशु जी, हमारे अंशु ब्रदर,
गेम मास्टर हमारी छोटी मामी जी है, कविता मामी जी हाय बोल रहे हैं देखो। तो मामी कैसा लग रहा है आपको आज हम आपके घर पे आए तो? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आपकी बहू ही नहीं है ये लग बात है, हम लोग बहू ही नहीं आ रही, रुद्रांश नहीं आ रहा छोटा सा। हम लोग चलिए वोट देने आए थे इसलिए हम यहाँ पे आप लोग याद आई। हाँ फिर तो मिठाई खाते रहो डांस उठ जाएंगे। और मामी ने हमें क्यों आज क्या खाया, कड़ी खिलाई और दाल चावल खिलाया, भर पेट खाया हमने दबा के। तो मैंने भुजे नहीं खाया और बहुत मजा आया खाने में, बहुत अच्छा खाना बनाती मेरी मामी जी। मेरी मटन चिकन खाना कब आओगे, कब उसी दिन? हाँ ये भी हम कब आएंगे ये देखते हैं। तो जिस दिन आएंगे उस दिन हम लोग मामी के हाथ से जो है मामा बहुत अच्छे बनाते हैं। चलो जी शनिवार को आपके यहाँ हम डेरा मारेंगे, ठीक है? शनिवार को रात में रहने के लिए। चलो जी ठीक है, प्रोग्राम रखते हैं। तो मामा ने फुल बढ़िया से बना दिया मकान अपना, तो फुल बढ़िया से मजेदार। तो आते हैं फिर एक दिन शनिवार को मामा जी घर में, क्या माछी भात क्या है, माछी भात, ठीक है? तथा बिटू साहब लोग बने रहे मुकेश बिस्ट ऑफिशियल पे लाइक। थैंक यू मामी, थैंक यू। हमारी हेमा है, हमारी जो बड़े मामा है गणेश मामा, उनकी बेटी है, सपुत्री है। हमारे भाई को सपोर्ट करना, लाइक और शेयर दबा के करना। ओके थैंक यू, थैंक यू। फैमिली और पापा मामा जी बाहर हैं, डर लगता है इसलिए बुलाया नहीं मैंने, ठीक है? अब मैं और धर्म जो है घर निकल रहे हैं मामा मामी के वहाँ से मिलके, सबसे मिलके हम लोग घर निकल रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है। तो घर जाते हैं, थक भी गए बहुत ज़्यादा, वोट देखे आए हैं तो थक गए हैं, बुढ़ी साहब तक बने रहे हैं। तो अभी क्या है कि शालू और अंकित का कॉल आया कि आप लोग बाहर घूम के आए हो, वोट दे के आए हो, वोट दे के आए हो, देखो वोट ये है वोट, जो वोट दे के नहीं आए हम, ठीक है? वोट दे के आए हो तो मेरे लिए और शालू के लिए जो है नूडल्स लेके आए हैं और मंचूरियन लेके आए हैं, मोमोस लेके आए हैं, डिमांड आ रखी है शालिनी और अंकी की। तो अब धर्म उनके लिए मोमोस और ये सब पैक कर रहा है, मोमोस लेंगे हम वहाँ से जहाँ से मैं खाता ही हूँ, और नूडल्स और मंचूरियन लेंगे हम लोग 71 से नोएडा से। क्या धर्म चाउमीन और नूडल्स सेम ही तो बताओ ना ये, हाँ डाइट कॉन्शियस बंदा है, खाता नहीं है, बट चाउमीन नूडल्स सेम होते नहीं होते, डाइट कॉन्शियस है, सेम ही होते बेटा चाउमीन और नूडल्स यार, इसकी बढ़िया बढ़िया है। चलो बहुत बढ़िया। धर्म जो चाइनीज फूड पे खड़ा हो चुका है, ऑर्डर कर रहा है नूडल्स और मंचूरियन ऑर्डर कर रहा है। हम ऑलमोस्ट घर की तरफ पहुंच गए हैं, सो हमने नूडल्स और पनीर वाली जलेबी ली है और हम मोमोज के लिए वेट कर रहे हैं, आंटी जो लगाती है वो आंटी है नहीं अभी यहाँ पे, सो दो ही चीज़ लेकर जाएंगे। हाँ जो घर से ऑर्डर आया था कि हमें पनीर वाले मोमोज भी खाने हैं, परंतु अब जो यहाँ पे जो आंटी लगाती है मोमोज वाली, उस हद से आज इलेक्शन है, इस कारण उन्होंने यहाँ लगाए नहीं, अपनी शॉप लगाई नहीं है। तो हम नॉर्मली जो है नूडल्स ले जा रहे हैं और पनीर वाली जो है जलेबी उसको ले जा रहे हैं। ये है पनीर वाली जलेबी जो कि अंकिता ने और शाली ने यहाँ मंगवाया था मुझसे धर्म से। तो ये है पनीर वाली जलेबी, बढ़िया खाते फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है इसका। वैसे तो आप लोगों ने सभी ने खाया होगा, मैं आज शायद सेकंड टाइम खा लूँ, तो बताएंगे टेस्ट कैसा है जैसा बने रहे। मीठा है बहुत मजेदार, मीठी मीठा है ये, डिमांड सुखी है पनीर वाली जलेबी। मैंने अपने रुद्राक्ष टाइम में बहुत खाया था ये, उसके बाद आज ही खा लूँ। आई हाय ये खा लिया मैंने, ना मैंने इसको खाया ना, ज़्यादा मीठा है, मीठा बहुत है। इसको अगर आप दोगे ना रोटी सब्जी दोगे कुछ और दोगे, ये चीज नहीं खाता ये, ऐसे कबाब खा ही लेता हूं, क्या खा रहा था बाकी खाने बाबू, उसको पानी भी नहीं चाहिए दो। और अभी ओट्स खाने के लिए पानी स्पाइसी ना खाया हमने,
और उसके बाद भी कोई वो नहीं है, दबा के खा रहा है। कैसा रहती कैसा है? देखो तो रोटी सब्जी दो वो नहीं खाएगा, मना करता है। दाल खा दे दो वो नहीं खाएगा। और ये देखो मुझे देख रहा फोन पे कितनी मजा आ रहा है, कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? ये देखो कुछ भी हो रहा है फ्रेंड्स प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।